الله وبركاته. نعم، هذا درس من مختارات من أدب العرب للشيخ العلامة أبي الحسن علي الحسني الندوي رحمه الله تعالى. في بني سعد، ما زلنا في فصل بني سعد. تحكي حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية قصتها إذ أخذت النبي صلى الله عليه وسلم لترضعه. نعم، في بني سعد كسبق چل رہا ہے. یہ یہاں تھے ہم. ما فی صدی ما یغنیہ، کہ میرے سینے میں، میرے پستان میں اتنا دودھ نہیں تھا. ما یغنیہ، جو اس کو بے نیاز کرے. وما فی شارفنا ما یغدیہ، اور ہماری اونٹنی میں بھی اتنا دودھ نہیں تھا جو اس کی صبح کی غذا بنے. یا یقال یغذیہ، ایک روایت ہے یغذیہ کی، مطلقاً جو اس کو غذا فراہم کرے. بہت قحط کا سال تھا، ہر چیز خشک تھی. ولکن کنا نرجو الغیث والفرج، لیکن ہم امید رکھتے تھے بارش کی اور کشادگی کی، کہ اللہ تبارک و تعالی امداد فرمائے گا اور نصرت فرمائے گا اور کشادگی پیدا فرمائے گا. الغیث کہتے ہیں اس بارش کو جو قحط کے وقت میں آئے. الغیث هو المطر الذي یأتی عند شدة الحاجة الیہ. الفرج یعنی السعہ، تو ہم کو امید تھی کہ انشاءاللہ آگے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کشادگی اور امداد ہوگی، بارش آئے گی، حالات بدلیں گے. فخرجت علی اتانی، تو میں اپنی گدھی پر سوار ہو کر نکلی. تلکا، اس گدھی پر جس کی صفت اوپر بیان کی، کہ جو بہت کمزور تھی. اجفاء یعنی کمزور تھی. فلقد ادمت بالرکبی حتى شق ذلك عليهم ضعفا وعجفا. فلقد ادمت، یہ ابن ہشام میں ادم تو ہے. دیکھیے نیچے سات نمبر کا حاشیہ. اے اطلت علیہم المسافۃ، مأخوذ من الشیء الدائم فی سائر الاصول. اذمت، اذمت الرکاب اے اعیت و تخلفت عن جماعت الابل ولم تلحق بها. تو کچھ دوسرے نسخوں میں، دوسری کتابوں میں یہ ذال کے ساتھ ہے. اذمت پڑھیں گے پھر، ابھی ہم تشریح کریں گے انشاءاللہ. تو ادم تو ہوگا، تو یہ متکلم کا صیغہ ہوا ادامہ سے، جیسے اطال سے اطلتو. تو دائم کہتے ہیں ہمیشہ رہنے والے کو، تو یہ معنی ہوئے مطلب روک دیا. دائم رک جاتی ہے نا چیز، ختم نہیں ہوتی ہے. تو یہاں معنی ہوں گے ادم تو یعنی تاخر، تو میں نے روک دیا ان کو، حبس تو کے معنی میں ہوگا. ادامہ یعنی ہمیشہ رکھنا، مطلب بہت دیر تک رکھنا کے معنی ہو گیا، یعنی تاخر تو. فلقد ادم تو بررق، میں نے قافلے کو مؤخر کر دیا. حتی شق ذلک علیہم، یہاں تک کہ یہ ان کے اوپر دشوار ہو گیا. میری رعایت سے
उनका रुकना और मेरा इंतज़ार करना उनके लिए दुश्वार हो गया। ضعفا وعجفا ये मफ़ऊल लहू बन रहा है, क्यों मैंने उनको मुअख्खर कर दिया। ऊँटनी की कमज़ोरी की वजह से, वाजफन और उसके लागरपन की वजह से। अजफ वही कमज़ोरी को कहते हैं, इंतहाई कमज़ोरी, हुजाल। लेकिन दूसरा नुस्खा ज़्यादा बेहतर लगता है जो दूसरे नुस्खे में, दूसरी किताबों में आया है, फलकद अजम्मत, और ये अजम्मा से बनेगा, अजम्मा, और ये वाहिद मुअन्नस गाइब का सीगा होगा, फलकद अजम्मत। तो अजम्मत की ज़मीर लौटेगी अतान की तरफ, आला अतानी तिलका, उस मेरी ऊँटनी ने अजम्मत। और अजम्मतिल नाक़तु या अजम्मतिल अतानु कहते हैं सवारी का पीछे रह जाना, और अजम अभी के साथ पीछे रख देना, पीछे कर देना, बा तादिये के लिए आ जाएगा। फलकद अजम्मत, फिर ये मुतकल्लिम का नहीं होगा उस वक्त जब अजम्मा से पढ़ेंगे, तो जम्मा यजुम्मु बुराई, फिर उसका बाब इफ़ाल जब बनाएंगे अजम्मा, तो उसके मायने होते हैं पीछे रख देना। देखिए दिखा देते हैं आपको, ये अजम्मति दाबतु कल्लत फवाकफत और तअखरत, थक गया रुक गया ये पीछे रह गया। और अजम्मति दवाबु बिर्रब, सवारियों ने काफ़िले को पीछे कर दिया, हफाजत हम उनको महबूस कर दिया ज़ुरफ की वजह से और उनके चलने के रुक जाने की वजह से। और फी हदीस हलीमा फ़खरजतु अला अतानी तिलका फलकद अजम्मत बिर्रकबी, ये आपको हमने नेट पर दिखा दिया। दुफ़न भी पढ़ सकते हैं, दुफ़न भी पढ़ सकते हैं, ये मफ़ऊल हुए अजम्मत, क्यों उसने मौखर कर दिया काफ़िले को, ज़ाफ़न कमज़ोरी की वजह से, वाजफ़न और लावरपन नहाफ़त की वजह से, हुज़ाल की वजह से, मफ़ऊल हो। जैसे मा अक़दिरु अलल क़ियाम ज़ाफ़न कहेंगे, मैं खड़े होने पर कादिर नहीं हूँ कमज़ोरी की वजह से, या ज़ाफ़न भी सही है। अल्लाहुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन ज़ाफ़िन, दो लोग दो किरात हैं, अल्लाहुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन ज़ाफ़िन थुम्मा जअला मिन बादी ज़ाफ़िन, हमारी किरत में ज़ाफ़ है और दूसरी किरत है ज़ाफ़, वो भी मुतवातिर है। हत्ता क़दिमना मक्कता, यहाँ तक कि हम मक्का आए, नीचे से ऊपर वाली लाइन चल रही है, हत्ता क़दिमना मक्कता, यहाँ तक कि हम मक्का आए, नल्तमिसु रुदाआ, ये जब ये अपने शहर से चले मक्का आने के लिए तब का सफ़र बता रही है, नल्तमिसु रुदाआ, रज़ी शीरखार बच्चों को तलाश करते हुए, फ़मा मिन्नम रअतुन इल्ला वक़द उरिद अलैहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हम में से जितनी औरतें थीं तो हर औरत पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश किया गया कि इनको ले लो दूध पिलाने के लिए, आपकी वालदा ने आपके दादा ने पेश किया, फतबाहू, तो वो आपको लेने से इनकार करती हर औरत, इज़ा क़ील लहा, जब उससे कहा जाता इन्नहु यतीम कि यतीम बच्चा है, सुबहानअल्लाह, वज़ालिका क्योंकि अन्ना इन्नमा कुन्ना, कि हम लोग इन्नमा कुन्ना नर्जुल मारूफ़ा मिन अबिस सबी, हमें नेकी और हुस्न सुलूक की उम्मीद थी कि कुछ सिला देंगे बच्चे के बाप, जब यतीम है तो क्या सिला देंगे दूध पिलाने का, तो हम नेकी और सिले की उम्मीद करते थे, मारूफ नेकी सिला एहसान हुस्न सुलूक की उम्मीद करते थे बच्चे के वालिद से, फकुन्ना नकुल, तो हम कहते थे जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते यतीम उन, ये तो यतीम है, वमा असा अन तस्ना उम्मुहु वजद्दुहु, और क्या कर सकेंगी
उनकी वालिदा और उनके दादा मतलब हमारे साथ सिला और हसन सुलूक क्या देंगी वो हमें उजरत, क्या उम्मीद है कि उनकी वालदा और उनके दादा करेंगे हमारे साथ। फकुन्ना नकरहु लिदालिका, तो इसलिए हम आपको लेने से कतराते थे, नापसंद करते थे आपको कि इनको नहीं लेंगे। फ़मा बकियत इमरातुन, देखिए फिर अल्लाह ताला का करिश्मा, अल्लाह की कुदरत से क्या बरकत ज़ाहिर हुई बाद में, जिस बच्चे को सब ने लेने से इनकार कर दिया, जब हलीमा गोद में ले लिया, गोद में ले लिया, गोद में ले लिया, दाया हलीमा गोद में तेरी चांद उतरने वाला है, अब्दुल्ला के घर से जहां में नूर बिखरने वाला है, तो फिर उनको ले लिया तो अल्लाह ताला ने किसी बरकतों से नवाजा उनको। फमा बकियत इमरातुन कदिमत मई इल्ला अखजत रज़ी अन गैरी, तो कोई औरत नहीं बची जो मेरे साथ आई थी मगर उसने कोई बच्चा ले लिया मेरे अलावा, सबको मिल गया मतलब। फमा बकियत इमरातुन इल्ला अखजत रज़ी अन, कोई औरत नहीं बची मगर उसने ले लिया, यानी हर औरत ने कोई ना कोई बच्चा ले लिया शीर खार पिलाने के लिए, दूध उसका काम हो गया, उजरत का नज़म हो गया। फलम्मा अजमअना अल-इन्तिलाक, जब हमने वापसी का अज़्म कर लिया, अजमा कहते हैं तय कर लेने को, जैसे कहेंगे अजमअतु अस-सफर, मैंने सफ़र करने का इरादा कर लिया, मफ़ूल के साथ इस्तेमाल करेंगे, अज़मा अला के साथ आएगा और अजमा बग़ैर अला। हज़रत काब बिन मालिक की हदीस में फलम अजमअतु सिदक़हु, मैंने आपसे सच बोलने का इरादा कर लिया पक्का। तो जब हमने वापसी का इरादा किया तो मैंने अपने शोहर से कहा, कुल तो ले साहिबी, अपने शोहर से कहा, वल्लाह इन्नी लअकरहु अन अर्जिअ मिन बैन सवाइबी वलम आखुद रज़ीअन, के खुदा की कसम मुझे तो बुरा लगता है कि मैं अपनी सहेलियों के दरमियान अकेली लौटूँ इस हाल में कि मेरे पास कोई शीरखार बच्चा ना हो, मैंने कोई बच्चा ना लिया हो, बग़ैर बच्चे को लिए हुए उनके साथ लौटूँ अपनी सब सहेलियों के दरमियान, बुरा लग रहा है, सबके गोद में बच्चा है, मैं नाकाम ना मुराद लौटूँ, ये मुझे नापसंद है। वल्लाहि लअज़हबन इला ज़ालिका अल-यतीम फलअख़ुज़न्नहु, अल्लाह की कसम मैं उस यतीम बच्चे के पास जाऊंगी और उसको ले लूंगी, उसी को ले लेती हूँ, उसके पास जाती हूँ और ले लेती हूँ। काला, तो उन्होंने उनके शोहर ने भी अच्छा मशवरा दिया, ला अलैकी की अंतफ़ाली अला बसा अलैकी, कोई हर्ज नहीं है ले लो तुम, ऐसा करने में कोई हर्ज नहीं है। अब आप भी कह सकते हैं ला अलैका अंतज़हबा इला सूक, कोई हर्ज नहीं है तुम जा सकते हो बाजार। असल्लाहु अन यजअला लना फीहि बरकतन, हो सकता है कि अल्लाह ताला उसी में बरकत अता फरमाए हमें। क़ाल फ़ज़हबतु, तो मैं गई, फ़अख़ज़्तुहु, और मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले लिया। वमा हमलनी अला अख़्ज़िही इल्ला अन्नी लम अजिद गैरहु, और मुझे आपको लेने के लिए किसी चीज़ ने आमादा नहीं किया सिवाय इसके कि आपके अलावा दूसरा नहीं मिल रहा था मुझे, मजबूरन लिया मैंने, मतलब हमलहु अलैहि के माने आमादा करना, जैसे कहेंगे हमलनी अला क़िराअत हादल फ़स्ल हुस्न अदबिही وفصاحت عباراته, मुझे इस फसल को पढ़ने पर आमादा किया उसके अदब ने और उसकी फसाहत व बलागत ने। قالت فلما اخذته رجعت به الى رحلي, तो जब मैंने लिया आपको, رجعت به, तो मैं आपको लेकर आई, الى رحلي, अपने खेमे में। रहल कहते हैं मंजिल को, जाए क़ियाम को, चाहे वो खेमा हो, चाहे घर हो, होटल हो, उसको रहल कहते हैं। तो मैं उनको लेकर अपनी मंजिल यानी जहाँ खेमा था वहाँ, अभी वापस नहीं हुई, वापस होने का इरादा कर रहे थे ये लोग, तो अपने खेमे में आई। फलम्मा वज़अतुहु फ़ी हिजरी, जब मैंने गोद में लिया, गोद में रखा दूध पिलाने के लिए,
हिजर और हजर दोनों है गोद। अकबल अलैहि सदियाया बिमा शाअ मिन लबन, तो मेरे पिस्तान उनके ऊपर मेरे पिस्तान मेहरबान हो गए और मुतवज्जे हो गए और तैयार हो गए। बिमा शाअ, जो वो चाहें दूध पीने के लिए, उस दूध को फराहम करने के लिए मेरे पिस्तान मुस्तैद हो गए। अल्लाह ताला ने दूध पैदा कर दिया। अकबल अली माने मुतवज्जे हो जाना, यानी पिस्तानों में दूध आ गया। बिमा शाअ यानी बिल्लबनी लजी शाह, इतना दूध को देने के लिए मेरे पिस्तान हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खुल गए कि जितना भी आप पीना चाहें। बिमा शाह, जो भी चाहें, मिन लबन, दूध में। फशरिब, आपने पिया। हत्ता रविया, यहाँ तक कि आप आसूदा हो गए। पानी से, पीने वाली चीज़ से आसूदा होने को रविया, और खाने से आसूदा होने को शबिया। शरीबा माहू अखू, और आपकी बरकत से आपके भाई ने भी पी लिया। हत्ता रविया, वो भी सैराब हो गया। हत्ता नामा, दोनों सो गए। वमा कुन्ना ननामु माहू कबल ज़ालिका, हालांकि हम अपने उस बच्चे की वजह से उसके साथ नहीं सो पाते थे इससे पहले। वो रोता रहता था, अकेला का पेट नहीं भरता था उसका। वक़ाम ज़ौजी, और मेरे शोहर उठे। इला शारीफीना, हमारी ऊँटनी के पास गए। तिलका, उसी ऊँटनी जिसकी सिफत अभी बयान की कि उसके थनों में दूध नहीं था। फ़ाइज़ा इन्नहा लहाफिलुन, तो देखा, इज़ा फुजाइया, देखा एकदम, पहले से तो दूध नहीं था, अब अचानक देखा। इन्नहा लहाफिलुन, उनके थन भरे हुए हैं उस ऊँटनी के। वो लबरेज़ है, हाफिल लबरेज़ है, हाफिल यानी मली अतुन बिल्लबन, हफला यानी इम्तला, क़ातुन हाफिला बिन्नास, मकतबतुन हाफिला बिल्कुतुब। अब एक सवाल ये है कि हाफिलुन क्यों आया, इन्नहा तो मुअन्नस है ये ऊँटनी। उसका जवाब ये है कि दूध से भरने के मायने में है, तो मुअन्नस के साथ ख़ास है ये, तो हाइज़ुन जैसे है, या हामिलुन हामला औरत, तो ये मुअन्नस के लिए ख़ास है। उस एतबार से हाफिल यानी दूध से लबरेज थी ऊँटनी। फहलब मिन्हा, तो उनका दूध, उसका दूध निकाला उन्होंने। शरीबा, इतना जो उन्होंने भी पिया, और शरीब तो माहो, और उनके साथ मैंने भी पिया। हत्तन तहैना रियन व शिबान, यहाँ तक कि हम फारिग हो गए, मुकम्मल हो गए, इंतहा तक पहुँच गए। रियन आसूदगी में, व शिबान और पेट भर जाने में, यानी दोनों काम किया दूध ने, कि पानी की भी तकमील की और प्यास भी बुझाई, व शिबान और भूख भी ख़त्म की। फबितना बिखैर लैलतिन, तो हमने बेहतरीन रात गुजारी। कहती हैं, यकुल साहिबी, मेरे शोहर मुझसे कह रहे हैं, नाज़बाना, जब सुबह हुई, तअल्लमी, हरी तू समझ ले, वल्लाही या हलीमा, अल्लाह की कसम हलीमा, लक़द अख़ज़्ती नसमतन मुबारकतन, तुमने तो बहुत ही मुबारक मुबारक हस्ती को लिया है, नसमा जान, मुबारक जान को लिया है। तो मैंने कहा, वल्लाही नीला अर्जु ज़ालिक, मुझे भी ऐसी ही उम्मीद हो रही है। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला नबी व अलिही।